हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अपने ज़िंदगी का आप आनंद ले रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, लेकिन एक भाई ने कल ही कमेंट किया था, आप कमेंट देख सकते हैं यहाँ पर, कि एसी ड्राइव इज़ नॉट रेडी का कुछ, वो उनको थोड़ा कितने प्रॉब्लम हुआ लेकिन मैं समझ गया हूँ। तो अभी मैं मशीन पे आया हूँ आपके लिए, तो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखते रहे स्क्रीन पे। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था? प्रॉब्लम ये हुआ था कि भैया बता रहा कि वाई एक्सिस ड्राइव इज़ नॉट रेडी का इसके पास जो अलार्म है वो आ रहा है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहे। मैं कैमरा पीछे वाला कर देता हूँ मोबाइल का, मोबाइल से। जैसा कि गाइज मैंने आप सभी को बताया था कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन कैसे करना है। आपका भी मेरा मशीन है जो ऑन हो रहा है, और आपका अलार्म आएगा कहाँ पे? यहाँ पे, जैसे जेड एग्जिस अप हार्ड लिमिट ऑन आ रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आएगा वाई एग्जिस ड्राइव इज नॉट रेडी। ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अंदर देखना है। आप अगर ये अलार्म रीसेट प्रेस करोगे ना तो वो अलार्म रीसेट नहीं होगा। ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपना पैनल ओपन करना है, पूरा सेफ्टी के साथ करना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉक अगर लगा तो भाई काम से जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एसी ड्राइव दिख रहे हैं, तो एक एक्स का है एक वाई का है, तो इसमें जब अलार्म आएगा तो किस वजह से आया, ये वाला जो 50 आ रहा है ये इसका स्पीड का है, तो वो हमको नहीं देखना है। लेकिन उसमें ये वाला नहीं रहेगा, उस टाइम पे क्या रहेगा, इसमें एक एप सीरीज लेके कोई अलार्म आएगा, जो भी अलार्म रहेगा उसी का आएगा। आप अगर किसी का पूछेंगे तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, इसमें एफ का सीरीज लेके F1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, F20, F5, F22 तो ऐसा करके आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये वाला जो ग्रीन लाइट दिख रहा है ना येलो कलर का, ये वाला रेड आएगा, ये वाला रेड लाइट आएगा। तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में, इसको ओके पे प्रेस करना है, इसका ओके पे प्रेस करना है, तो ये वाला येलो हो जाएगा। जब तक ये येलो नहीं होगा तब तक वो अलार्म रीसेट नहीं होगा। ये येलो होने के बाद आपको क्या करना है, वापस से अपने पैनल को बंद करना है, पूरा सेफ्टी के साथ करना भाई। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से बना रहा हूँ, पूरा बंद करके आराम से और आपके अलार्म को रीसेट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे F7 में अलार्म आ रहा है, इसमें जेड एक्सिस सॉफ्ट लिमिट अलार्म आ रहा है, लेफ्ट सॉफ्ट लिमिट आ रहा है, और वाटर पम्प ऑफ है, ब्लेड मोटर ऑफ है, तो उसमें भी ड्राइव इज नॉट रेडी का अलार्म आएगा। तो उसको क्या करना है, आपको रीसेट करोगे तो वो अलार्म निकल जाएगा। ठीक है, और निकलने के बाद आपको क्या करना है कि मशीन को अपने पोजीशन पे लेना है। आपका ब्लॉक कहाँ है? अभी मेरा ब्लॉक अभी ब्लॉक नहीं है, सेटिंग नहीं है, तो आपको अपनी मशीन को पोजीशन पे लेना है कि आपकी एक्स की वाई की जेड की काउंटिंग बराबर है या नहीं है, उसके बाद ही आपको मशीन को चालू करना है। वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। धन्यवाद।